एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसे इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी। हम इसे हर रोज यूज करते हैं, ये हमारे फोन्स, टीवी, लाइट्स और बहुत सारी चीजों को चलाती है। सच तो ये है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी की इतनी आदत पड़ चुकी है कि इसके बिना दुनिया को इमेजिन करना इम्पॉसिबल। इस सेशन में हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे, तो चलिए इलेक्ट्रिसिटी को समझने की जर्नी शुरू करते हैं। शायद आपने इसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट या करंट जैसे वर्ड्स यूज किए हों, पर इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इस एग्जांपल की मदद से करंट को समझते हैं। इमेजिन कीजिए एक रिवर जो ढलान की तरफ फ्लो कर रही है। तब हम कहते हैं कि रिवर में ढलान की तरफ वाटर फ्लो है। इस फ्लो ऑफ वाटर को हम वाटर करंट कहते हैं। इसी तरह से एयर के फ्लो यानी विंड को एयर करंट कहते हैं। तो किसी भी चीज के फ्लो को उस चीज का करंट कहा जा सकता है। अब आप एयर और वाटर करंट को समझ गए हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? यस, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक चार्जेस या फिर सिंपली चार्जेस का फ्लो होता है। हमने ऑलरेडी अलग अलग चार्ज कैरियर्स के बारे में पढ़ लिया है, एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। हमें इलेक्ट्रॉन्स पता है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और हमने आयंस के बारे में भी पढ़ा है, आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी चार्ज फ्लो होता है तो उसे इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं। हमारे आसपास बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं, पर उनको कितना करंट लगता है? क्या सबको सेम करंट लगता है या डिफरेंट? वेल, सबको अलग अलग करंट लगता होगा, राइट? जरा सोचिए, आपका फ्रिज ज्यादा करंट लेता होगा या फिर आपका फोन चार्जर? बहुत ऑब्वियस है, आपके फ्रिज को ही ज्यादा करंट लगता है। पर हमें कैसे पता चला? हम करंट को मेजर या कैलकुलेट कैसे करते हैं? चलिए पता करते हैं। हमने अभी सीखा था कि करंट चार्जेस का फ्लो होता है। चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल क्यू से। और करंट के लिए हम कैपिटल आई का यूज करते हैं। करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, मतलब यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होता है उसे करंट कहते हैं। करंट अमाउंट ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, ज्यादा चार्ज यानी ज्यादा करंट, कम चार्ज यानी कम करंट। करंट चार्ज की स्पीड या वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है, ज्यादा स्पीड ज्यादा करंट और कम स्पीड यानी कम करंट। चार्ज की स्पीड ज्यादा होगी तो उसे गिवन डिस्टेंस ट्रैवल करने में कम टाइम लगेगा। तो हम करंट को कितना चार्ज है और कितने टाइम में वो गिवन डिस्टेंस ट्रैवल करता है इससे भी मेजर कर सकते हैं। अगर क्यू चार्ज एक क्रॉस सेक्शन से सेट टाइम में गुजरता है तो करंट आई क्यू बाय टी होता है। इस इक्वेशन से हम करंट की एसआई यूनिट भी पता कर सकते हैं। चार्ज की एसआई यूनिट कूलम्ब है और टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड होता है, तो करंट का एसआई यूनिट कूलम्ब पर सेकेंड हुआ। करंट इतनी कॉमनली यूज टर्म है, इसीलिए यूनिट को सिंपल करने के लिए कूलम्ब पर सेकेंड को एम्पियर नाम दिया, और एम्पियर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो करंट का ऐसा यूनिट कूलम्ब पर सेकेंड या सिंपली एम्पियर है। अब आप करंट मेजर करना सीख गए हैं, तो मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहती हूँ, बहुत स्ट्रेंज बट इंटरेस्टिंग फैक्ट। किसी भी मेटल वायर में करंट फ्लो इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से होता है। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट फ्लो कर रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? शायद आप सोच रहे होंगे कि करंट भी इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन में ही होगा, पर फैक्ट ये है कि कन्वेंशन कहता है करंट इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। ऐसा कन्वेंशन इसलिए है क्योंकि जब साइंटिस्ट ने करंट के बारे में स्टडी करना शुरू किया था, तब उन्हें लगता था कि करंट पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करता है, और काफी बाद में ये बात डिस्कवर हुई कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं ना कि पॉजिटिव चार्जेस। अब पॉजिटिव चार्जेस क्यों नहीं फ्लो करते ये हम बाद में देखेंगे। हालांकि साइंटिस्ट को पता चल गया था कि उन्होंने पहले गलती कर दी थी, फिर भी उन्होंने उसी कन्वेंशन को कंटिन्यू रखा। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो उनका इफेक्ट वही होता है जो पॉजिटिव चार्जेस का ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने पर होगा। तो करंट को इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव पार्टिकल्स के फ्लो की डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता हुआ अज्यूम किया जाता है। अब से हम भी इसी कन्वेंशन को फॉलो करेंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो और आप करंट और उसकी हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ सीख गए होंगे।
हमने जो भी सीखा उसे एक बार रिकैप करते हैं। हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस होता है और उसे I equals to Q by T से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने ये भी देखा कि करंट का SI यूनिट कूलम पर सेकेंड या सिंपली एम्पियर होता है। और फाइनली हमने करंट के डायरेक्शन की बात की जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट होता है। आगे हम देखेंगे वायर में इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो होती है और इसमें बैटरी का क्या रोल है। टिल देन कीप लर्निंग।